नाश्ता रेडी है? जी मैडम, छोटे भाई का नाश्ता तैयार है, टेबल पर लगा दिया कमरे में। मैं बताती हूँ। अक्रम भाई, साइम का नाश्ता आप कर लीजिएगा क्योंकि अम्मा ने उनके लिए पराठे बनाए। अरे कैसे हवा के घोड़े पर दंद दनाती हुई आई हो? मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही यहाँ पे, ना सलाम ना दुआ, इस घर में सिर्फ साइम रहता है। सॉरी दाई जान, मैं अभी आपको सलाम ही करने वाली थी। सॉरी की बच्ची, साइम अपने बाबा के साथ एक मीटिंग में जा रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, वो नाश्ता शायद नहीं करेगा। नहीं नहीं आज टाइम है। हाय बाबा की कॉल नहीं है? मुझे आ गई थी, मीटिंग कैंसिल हो गई, मैं फ्री हूँ आज। भूख भी बहुत लग रही है। पराठे बने? कीमे के पराठे। कीमे के? तो चलो ना खाते हैं, अब आए चलो। ये ज़ैनब भी ना सिर्फ तुम्हें ही मजे मजे के पराठे खिलाती हैं, मुझे तो कभी इनवाइट नहीं किया। शिकवा करूंगी मैं उनसे। क्यों नहीं करती इनवाइट? क्यों नहीं करती? वो आप लोग ऐसी चीजें खाते नहीं है ना ताईजान, लेकिन अगर आपको खाने तो मैं अभी गर्मा गर्म पराठे लेकर आती हूँ। अरे नहीं, मुझे नहीं खाने, मैं तो बस मजाक कर रही थी। साइम, गर्मा गर्म पराठे खाकर फौरन अपने बाबा के पास चले जाना, फजूल की बातों में लगकर टाइम मत जाया करना अपना। जी चलें गर्म गर्म पराठे खाते, बहुत भूख लग रही है। अच्छा वो पराठे बना दिए चाची जान ने। क्या पराठे बना दिए चाची जान भी? रिदा, हमने अंडे तो लिए ही नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम इसका बिल करवाओ और मैं अंडे लेकर आती हूँ। मेरी गलती है, मैंने देखा नहीं। अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं आप जैसे लड़कों को, जहाँ लड़की देखी फौरन अंधे हो जाते हैं। इडियट। चलो जब अचानक खूबसूरत लड़की सामने आए ना, तो बंदे को कुछ दिखाई नहीं देता, अंधा हो जाता है बंदा। रिलैक्स हो जाए यार, ये यार ये आना जरा साफ करना। चलो वो ब्रेड वगैरह ले ले अपने। उधर चलो। तुम्हारी नजरों में हमेशा शको शुबात क्यों होते मेरे लिए? रिदा तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि अल्लाह ने सिर्फ हमें एक दूसरे के लिए बनाया? वो सब ठीक है साहब, लेकिन मैं इस तरह सबसे छुपकर आपसे इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। ओके ठीक है, बस सोच लो, सोच लो, अगर तुमने इसको अपने आप से जुदा किया ना तो मुझे लगेगा तुम किसी और को पसंद करती हो। नहीं, मैं किसी और को नहीं पसंद करती। सच? मुझे पसंद करती है। मैंने अपने तरीके से तुम्हें प्रपोज कर दी, अब आगे तुम्हारी मर्जी। इसको अपने आप से जुदा नहीं करोगी तो इसका मतलब कि तुम्हें मेरा प्रपोजल कबूल है। कल अम्मी पापा आएंगे, चाचा जान से बात करेंगे और फिर आए जी। आए आ जाओ रिदा।
बेटा तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो, जाओ तुम चाय बनाओ, मैं भी आती हूँ। मुझे पूरा यकीन था भाभी आपकी और जावेद भाई की बात ये कभी नहीं टालेगा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए। बेहतरीन मुस्तकबिल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो आप सबने घेर लिया है ना मुझे आज, और मुझे खुद से दूर करने का वादा किया और खुश हो रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। अरे नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, हकीकत तो यह है कि हम में से कोई भी आपसे दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वालदेन को दूर रहना पड़ता है। ठीक कहा आपने। ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया मुझे मूल बदर करने का तो मैं क्या कह सकता, पर मेरी एक शर्त है पापा, वो शर्त पूरी होगी तभी जाऊंगा, आपको याद है ना आज आपने प्रॉमिस किया था। हाँ भाई याद है मुझे, तुम मुझसे कोई डील करने वाले हो। डील? कौन सी डील? अरे अरे कुछ नहीं भाई, बाप बेटे की आपस की बात है, आपको भी बता देंगे, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आप मेहमानों का मुंह मीठा करवाइए, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई, बेटा जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, जाए मुंह मीठा करवाइए सबका। अभी मैं मीठा लेकर आती हूँ, मुझे लगता है रिदा ने चाय भी बना ली होगी, अभी आए। साहिम जी देखो बेटा ये 2 साल यूं गुजर जाएंगे और तुम डिग्री लेके वापस भी आ जाओगे। 2 साल चाचा जान, चल देखते। आज तो कसम से मैं इतनी खुश हूँ जिसके इंतहा नहीं है। एक बार साइम अपनी स्टडी कंप्लीट करके अमेरिका से वापस आ जाए तो मैं तो उसकी फौरन से पहले शादी कर दूंगी। दादी बनने का बहुत शौक है मुझे, मेरा भी दिल चाहता है मेरे घर में रौनक हो। बड़ी खूबसूरत रिंग पहनी हुई है, कहाँ से ली? साइम ने तो नहीं दी? यकीनन साइम ने दी होगी, इतनी खूबसूरत चॉइस तो साइम की ही हो सकती है। देखो बुरा मत मनाना, चाहे लड़का घर का हो या बाहर का, मुझे तोहफे तहाइफ नहीं देती। तुम तो अच्छी बच्ची हो, खानदानी हो, मुझे ये तवक्का नहीं थी। बुरा मत मनाना, बेटी समझती हूँ इसलिए समझा रही। और सुनो, अगर तुमने जाने अनजाने में साइम से शादी के कोई ख्वाब अगर अपनी आंखों में सजा लिए हैं तो मेरी जान उन्हें सिर्फ ख्वाब समझकर भूल जाना। What a run that. यार आज तो थक गए। आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। आपको याद है ना मैंने कहा था कि एक शर्त है मेरी, वो पूरी होगी तभी जाऊंगा मैं। I see। लेकिन बेटा अभी तक तुमने मुझे वो बात तो बताई नहीं कि तुम मुझसे क्या मनवाना चाहते हो। मैं शादी करना चाहता हूँ अमेरिका जाने से पहले, तो यही यही बात है। ओह आई सी,
तो क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? जी। अच्छा, तो फिर जल्दी से अपने पापा को उस लड़की का नाम भी बता दो। रिदा। पापा, मैं रिदा से शादी करना चाहता हूँ और यही मेरी शर्त है। उससे शादी होगी तभी अमेरिका जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा पापा। रिदा। जी एग्जैक्टली रिदा, और कौन रिदा? तो तुम भी रिदा को ही पसंद करते हो। देखो बेटा, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। मेरी भी बरसों से ये ख्वाहिश थी कि रिदा बेटी इस घर की बहू बने, और देखो, सो लकी कि तुम भी उसे पसंद करते हो। एंड सो हैप्पी। यस। एक कंसर्न है छोटा सा। वो क्या बेटा? शायद मामा और फरिया अभी दे माइट से नो। तो फॉरगेट अबाउट इट माय डियर सन। तुम रिदा को पसंद करते हो, मैं चाहता हूं वो इस घर की बहू बने, दैट्स इट। मैं खुद ही तुम्हारी मामा से बात कर लूंगा, डोंट वरी। चल इट। रियली? हाँ, चलाओ जूस पीते हैं चल के। कम ऑन, हरी अप। इसको बस दबा के रखिएगा, आप अंदर वेट करें। आ जाओ, कुछ नहीं होता। एक खून की बोतल तो हर इंसान डोनेट कर सकता है। मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया। आप डॉक्टर हैं? जी, पिता का शुगर है। आइए, आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। अरे, आपका ब्लड ग्रुप वगैरह? मुझे मेरे ब्लड ग्रुप का पता है, मैं हर साल डोनेट करती हूँ। ओ पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप। आपको भी अपना ब्लड ग्रुप पता है? नहीं, मैं पहली बार ब्लड डोनेट कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी हम पता लगा लेते हैं। आए बैठे, चेक करते हैं। नहीं नहीं, इससे तो दर्द होगा। इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप परेशान मत हो। ये पेन जो ना, आप मेरी उंगली पे रखें। नहीं नहीं, मुझे नहीं। अच्छा चले चले, मैं ट्राई करता हूँ। इसमें उंगली रखें, जल्दी से रखें इसमें। ये लीजिए। वैसे तो मुझे लगता है आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको दबा के रखिएगा। कितने बुरे हैं आप। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक मैं फिगर आउट कर लूंगा। आप प्लीज अंदर वेट कर लें। डैनियल बेटा, लगता है बहुत बिजी हो गए तुम। तुमने तो घर आना ही छोड़ दिए। नहीं नहीं, वो बस आंटी, हाउस जॉब शुरू हो चुकी है तो जरा वक्त कम मिलता है। मम्मी सुन रही है आप इसके बहाने? चलो, हाउस जॉब जल्दी खत्म हो जाएगी और फिर तो आया करोगे ना? बिल्कुल। फिर तो बिल्कुल नहीं नजर आएगा ये। शहनाज भाभी बता रही थी कि पार्ट वन के लिए अमेरिका चले जाओगे तुम। ये भी अच्छा है, ये हमारे सिकंदर की तरह पहले आला तलीम हासिल कर ले और फिर अपना क्लिनिक खोल ले। सही कह रही आंटी, लेकिन क्लिनिक नहीं, हम हॉस्पिटल खोलेंगे और आयजा मेरा साथ देगी। हॉस्पिटल खोल ले बेटा। ऑलवेज। आयजा बेटा, चाय वगैरह का इंतजाम करवाओ। नहीं नहीं, देखिए आंटी, तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल चाय नहीं पीऊंगा। हाँ, खाना मैं खाऊंगा। यार, मैं अरेंज करवाती हूँ। लो भाई, दुल्हा मियां भी आ गए। आओ साईं, चचा जान के पास बैठो। बैठो बेटा। भाई, मेरा बरसों का ख्वाब था, मगर मैं डरता था कि कहीं इसकी ताबीर उल्टी ना हो जाए। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरे ख्वाबों की ताबीर पूरी हुई।
मैं रिदा को देखूं, पता नहीं कहाँ रह गई, अभी तक चाय नहीं बनी। अल्ले भाभी, वो मेरी बेटी भी आ गई चाय लेकर, साथ में केक भी है। वाह भाई वाह, यकीनन ये केक रिदा बेटी ने ही बनाया होगा। क्यों रिदा? जीत आया अब्बू। आओ बेटा मेरे पास बैठो। लो भाई जावेद, जुमे का दिन मुनासिब रहेगा। जुम्मे का दिन? भाईजान, जुम्मे में तो सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, बहुत जल्दी है। रिदा बेटा, वैसे तो तुम मेरी ही बेटी हो, लेकिन जब भी मैंने साइम की दुल्हन के बारे में सोचा तो मेरी नजरों के सामने तुम्हारा ही चेहरा आया बेटा। और मुझे ये लगता है कि मेरे बुढ़ापे में जो बेटी मेरी दिल से खिदमत करेगी वो तुम ही हो। तो बेटे, क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी? सीधा है अब्बू, जैसे आपकी और बाबा की मर्जी। मुझे लगता है मैं किचन में कुछ भूल आई हूँ, मैं अब भी लेकर। लो भाई जावेद, मुबारक हो भाई। खैर मुबारक। लाए जी मुंह मीठा करवाइए, अब तो बनता है। पता नहीं आज कौन सी गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रही है, तुम्हारे पापा अभी तक वापस नहीं आए। खाने खाए जा रहे होंगे चची के बनाए हुए, और तारीफें हो रही होंगी। नहीं बेटा, खाने नहीं खाए जा रहे, आज मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। Congratulations everyone. क्या हुआ? बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं आप। देखो नसीमा, मैंने तुम्हारी मर्जी के बगैर एक फैसला कर दिया, लेकिन किया इस एतमाद और मान के साथ है कि तुम ना सिर्फ उस फैसले को कबूल कर लोगी बल्कि हमेशा की तरह मेरी खुशी में शामिल हो जाओगी। देखिए सईद, मैं हमेशा आपकी खुशी में खुश हुई हूँ। आपके फैसले के साथ मैंने कभी इख्तलाफ नहीं किया। आपने जो भी फैसला किया सर आंखों पर। बाबा प्लीज, इतना सस्पेंस क्रिएट ना करें, बता दें क्या फैसला करके आए आप। देखो मैंने ये फैसला किया है कि साइम और रिदा का निकाह इसी जुमे को कर दिया जाए। व्हाट? पापा ठीक फैसला किया ना? जी, आप कोई फैसला गलत कैसे कर सकते हैं?